वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी महीनों बाद मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ। एक नए लोकेशन में हम लोग आए हैं आज विजिट करने के लिए। दैट इज़ नन अदर दैन मार्लेश्वर, विच इज़ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और संगमेश्वर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लोकेशन आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लोकेशन है महाराष्ट्र में, स्पेशली इन दिस डिस्ट्रिक्ट। एंड यहाँ पे हम लोग आज घूमने के लिए आए हैं। आज तो सिर्फ मैं और सिद्धू ही है। एंड एक छोटा सा हम लोग का एक आइडिया था कि हम लोग चिपलुन वापस जाते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर द इनर पार्ट ऑफ चिपलुन, जो कुछ भी अंदर के साइड वाला है। लास्ट टाइम अगर आपने देखा रहेगा, हमने वेणेश्वर कवर किया था। काफ़ी ऐसे कोंकण का जो पट्टा है ना, उसमें काफ़ी सारे आपको लोकेशंस तो मिल जाएंगे, एंड मार्लेश्वर इज़ वन अमॉन्ग दैट लोकेशन। मेरे को कभी से जाना था मार्लेश्वर, बट कभी टाइम नहीं मिला, बट दिस इज़ द राइट टाइम। क्लाइमेट काइंड ऑफ साथ है एंड काइंड ऑफ साथ नहीं भी है, एंड मार्लेश्वर आने के लिए यू कैन विजिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए देखते हैं आज का मार्लेश्वर का दर्शन कैसा रहता है। एंड वीडियो के बीच बीच में मैं आपको पूरा हिस्ट्री एंड यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है, हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी। सो लेट्स गो। मार्लेश्वर जैसे ही आप एंटर करोगे, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स मिलेंगे। तो आपको एक 300 से लेके 400 सीढ़ी आपको मिलेगी, एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं। तो कहीं पे यहाँ पे आप चढ़ते वक्त या उतरते वक्त ड्रेन्ड आउट हो जाओगे, तो रिफ्रेशमेंट्स के लिए आपको ऑप्शन है काफ़ी सारे। ये जो सीढ़ियाँ चढ़ रही हो, मुझे मुलेंगिरी का एक्चुअली याद आ गया। ऑलमोस्ट 600-700 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ के ऊपर गए थे। दैट वॉज ऑल्सो वर्थ, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि इवन दिस इज़ गोइंग टू बी वर्थ। तो अभी हम लोग ने नीचे वड़ा पाव खा लिया, क्योंकि घर से निकलते वक्त ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। एंड यहाँ पे वड़ा पाव, मिसल पाव वगैरह खाया, एंड यहाँ पे नींबू शरबत और कोकोनट शरबत वगैरह पिया। सो व्हेन यू आर इन महाराष्ट्र, जस्ट डोंट मिस टू हैव कोकोनट शरबत। सो दिस इज़ द एंट्रेंस, ये ऊपर वाला एंट्रेंस है। इनफैक्ट नीचे से आपको ऐसे सीढ़ियाँ काफ़ी सारे मिलेंगे, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स बाहर से। एंड श्रावण महीने में यहाँ पे अच्छा खासा गर्दी रहता है, अंकल बोल रहे थे नीचे जहाँ पे हमने कोकम शरबत पिया। मार्लेश्वर का हम लोग दर्शन लेकर आ चुके हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था अक्टूबर महीने के टाइम पे भी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी दिख रहा है, बट मैंने और सिद्धेश ने यही डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम वेन एवर वी आर कमिंग टू चिपलुन, विल ट्राई टू मेक श्योर कि हम लोग मानसून के टाइम पे ही आएंगे। क्योंकि ये बार एक्चुअली सिद्धेश का प्लान था रत्नागिरी का पूरा कोकण पट्टा कवर करने का, बट अनफॉर्चुनेटली मंदिरें 7 अक्टूबर को ही खुली है, तो इवन हमारे भी हाथ बंदे थे। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे मतलब बहुत ऐसे टेंपल के ज़्यादा लोकेशंस आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। एंड मार्लेश्वर के बारे में मैं स्पेशली अगर बताऊँ, आप कैसे यहाँ पे पहुँच सकते हो उसके बारे में मैं बता देती हूँ। संगमेश्वर करके थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, वो जगह से आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट एक हाफ एन आवर से लेके 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे आपको ये लोकेशन मिल जाएगा।
एंड स्पेशली जब हम लोग मुंबई से निकले वी वर जस्ट प्लानिंग कि हम कहाँ कहाँ पे जाए, तो मार्लेश्वर के बारे में जब भी हम इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे इन दी मैप, हमें प्रॉपर लोकेशन डिटेक्ट करके नहीं दिखाया। सो ये दिक्कत आपको भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आई विल डू वन थिंग, मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दैट आउट, ताकि आपको एक रूट मिल जाएगा कि ये रूट पकड़ के आप मार्लेश्वर आ सकते हो, वो चीज़ का मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। दैट इज़ वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज ट्रेकिंग स्पॉट। मार्लेश्वर ट्रेकिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, एंड ये सह्याद्री रेंजेस के इसमें बिलोंग करता है मार्लेश्वर मंदिर। एंड यहाँ से एक्चुअली चिपलून से ही आपको प्रॉपर ट्रेकिंग के लिए स्पॉट मिलेगा, एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 डेज। मेरी तो हिम्मत नहीं है भाई 3 दिन वॉक करके आने की। टॉकिंग अबाउट मार्लेश्वर, अभी हम लोग ऊपर गए, ऑलमोस्ट एक 300 से लेकर 400 CDI आपको मिलेगी, एंड इतना ड्रेन्ड आउट वाला मुझे नहीं लगा, इवन दो इट वॉज लाइक हॉट एज हेल, बहुत ज़्यादा गर्मी था, बट इतना ड्रेन नहीं हुआ हमें फ्रेंकली स्पीकिंग। वहाँ पे गई, रिफ्रेशमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे, इसलिए दैट वाज वन ऑफ द प्लस। तो वहाँ पे ऊपर जाने के बाद जब हमने दर्शन वगैरह लिया, एग्जैक्टली उसके पीछे आपको जो वाटरफॉल दिख रहा था, जो मैंने आपको शूट करके बताया, दैट इज़ कॉल्ड एज धारेश्वर वाटरफॉल। एंड यहाँ पे पूरा आपको वो पट्टा दिखेगा, जहाँ पे भी जैसे जैसे चढ़ते जाओ पानी का आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई देता ही रहेगा। एंड धारेश्वर वाटरफॉल के बाद जब भी आप अंदर जाते हो दर्शन के लिए, गुफा है पूरी तरह से, जो मैंने शूट करके आपको बताया, केव के अंदर वहाँ पे स्वयंभू है। सो इसका हिस्ट्री आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। व्हेन आई डिड रिसर्च अबाउट मार्लेश्वर, मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहीं पे नहीं मिला, नीदर इन गूगल नीदर इन विकिपीडिया, कहीं पे भी नहीं मिला इनफैक्ट। तो व्हाट आई डिड, मैं पुजारी के पास मैं गई एंड उनसे मैंने पूछा कि आप यहाँ की खासियत, मतलब ये मार्लेश्वर मंदिर के बारे में मुझे जानना है तो उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने यही चीज़ बताया कि महादेव जो है, यहाँ के महादेव स्वयंभू है, एंड इसका प्रॉपर इतिहास एज इन हिस्ट्री इसके बारे में किसी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड व्हाट ही सेड इंटरेस्टिंग थिंग इज, आई डोंट वांट टू शेयर एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू यू गाइस, स्वयंभू है, दिस इज़ व्हाट आई नो फ्रॉम माई एंड। एंड अनदर थिंग, अनदर इन्फॉर्मेशन विच ही हैज शेयर्ड इज, महाशिवरात्रि के दिन काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे भीड़ मिलेगा, बट ऑब्वियसली महादेव का मंदिर है तो महाशिवरात्रि इज एक्सपेक्टेड एज यूजल। महाशिवरात्रि के अलावा मकर संक्रांति भी एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से मनाया जाता है, जत्रा करके यूजुअली महाराष्ट्रियंस कहते हैं, लाइक फेयर यू कैन सी इट इन इंग्लिश, तो वैसा यहाँ पे आपको माहौल मिलेगा एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड भी मिलेगा। अगर ये दो जो मतलब प्रोमिनेंट फंक्शंस है, उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो श्रावण सोमवार के टाइम पे आपको, जो श्रावण महीना है एकाद महीना, वो टाइम पे यहाँ पे आपको अच्छा भीड़ मिलेगा। सो विल मेक श्योर कि नेक्स्ट श्रावण में अगर हमें टाइम या मार्लेश्वर जी अगर हमें बुलाते हैं तो ज़रूर हम दर्शन के लिए आएंगे और आपको वो भी शूट करके दिखाएंगे। का हमारा जो सेकेंड लोकेशन है दैट इज़ वागजाई टेम्पल, जो चिपलून से आपको एक 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलेगा। सो मार्लेश्वर से इट वॉज़ बट लॉन्ग, तो उसका भी मैं डिस्टेंस आपको बता देती हूँ। उसके अलावा हम ये मंदिर हमने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंदर है, चिपलून के तरफ अगर आप आओगे तो ये काफ़ी मतलब गाँव के साइड पर अंदर अंदर बिलोंग करता है। एंड लास्ट टाइम हम लोग आए थे, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हो तो आपको ये चीज़ भी इंफॉर्मेशन पता रहेगा कि मैंने लास्ट टाइम जब भी मैं चिपलून आई थी, सो वी हैड विजिटेड दिस टेंपल आल्सो। यहाँ पे 9 देवियों का मंदिर है, सो उसके हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है एंड जो हिसाब से ये मंदिर बनाया है, सो एवरी सिंगल टाइम वेन एवर आई कम टू चिपलून आई मेक श्योर कि मैं यहाँ पे ये मंदिर होकर ही जाती हूँ रिटर्न मुंबई, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीसफुल है, सो इसीलिए मैं हमेशा ये टेम्पल आकर ही जाती हूँ। तो मैं अंदर का भी मैंने व्यू शूट किया है, सो अंदर का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाती हूँ।